आज है 1 मई और फिल्म पुष्पा 2 का फर्स्ट सिंगल रिलीज होने वाला है, वह भी शाम 5-4 मिनट पर। अब हमने इसके 20 सेकंड के प्रोमो वीडियो में पुष्पा 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 का जाप सुना, जिसमें देवी श्री प्रसाद की आवाज और म्यूजिक भले हो पर उन्होंने इस बार सभी इंडस्ट्रीज के सिंगर को एक साथ इसमें शामिल किया है अलग अलग वर्जन के लिए। इसमें पहला नाम है सिंगर नकाज अजीज का, जिन्होंने इसके तमिल और हिंदी वर्जन में अपनी आवाज दी है। ये गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु किसी भी भाषा में गा सकते हैं। पुष्पा पुष्पा एंथम सॉन्ग में इन्हें लेने की पीछे की वजह जो है वो है क्योंकि वह देवी श्री प्रसाद के साथ पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं पुष्पा पार्ट 1 के गाने ए बिड़ा ए दीना अदा में, तो इनकी आवाज का जादू हम पहले भी देख चुके हैं। प्यार की पुंगी, साड़ी के फॉल्सा, सेल्फी जैसे कई गानों में इनकी रेजोनेट वॉइस सुनने को मिली, तो पुष्पा पुष्पा जैसे बिल्कुल एनर्जेटिक गाने में इनकी पावरफुल आवाज तो जरूर चाहिए। वैसे हिंदी वर्जन में इनके साथ एक और आवाज हमें सुनने को मिलेगी और वह है द मोस्ट बैचलर मुंडा मीका सिंह की। वैसे मीका सिंह का पुष्पा पार्ट 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, पर ऐसे भी नहीं है तो देवी श्री प्रसाद के साथ वो पहली बार काम कर रहे हैं, पर पुष्पा पुष्पा का ये एनर्जेटिक बीट सुनकर समझ आ रहा था कि इस पावरफुल वॉइस की में इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है और मीका सिंह के वॉइस में वे कंट्रोल और मैजिक है जो डांस फ्लोर पर आकर आपको झूमने पर मजबूर कर देती है। वैसे पता है देवी श्री प्रसाद के साथ उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं और उसमें 2013 में आई प्रभास की फिल्म मिर्ची थी, जिसमें भी देवी ने इसी तरह अलग अलग सिंगर्स को लेकर गाने कंपोज किए थे और उस फिल्म का गाना याहू याहू मीका की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। मीका की आवाज ने उस गाने में काफी ज्यादा डोमिनेंस डाला और ऊपर से उसका वह पार्टी जो प्लेयर था वो भी एक काफी जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। मीका की आवाज की यही खासियत है जिसकी वजह से हिंदी ऑडियंस में उनका अच्छा खासा फैन बेस भी है और ऐसे में उनकी पावरफुल आवाज के साथ पुष्पा एंथम हिंदी वर्जन में कंपोज करना इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। वैसे इसके कनाडा वर्जन के लिए कनाडा इंडस्ट्री के विजय प्रकाश ने आवाज दी है। अब KGF चैप्टर 1 के सलाम रॉकी भाई गाना हो या फिर पुष्पा पार्ट 1 का जो के में के RRR का कन्नड़ डब वर्जन, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में इनकी आवाज पाई गई है। फिर मलयालम वर्जन में आवाज दी है सिंगर रंजीत गोविंद ने और जैसा कि ये पहली पैन इंडिया फिल्म है जो कि 6 languages में रिलीज हो रही है जिसमें बंगाली भी शामिल है, तो ऐसे में पॉपुलर बंगाली टिमिर बिस्वास ने भी इसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, तो फोक और मॉडर्न मेलेडी इनकी खासियत है और बंगाली और हिंदी में भी ये काम करते हैं। अब देखा जाए तो देवेश प्रसाद ने सभी इंडस्ट्रीज के पॉपुलर सिंगर्स को एक साथ लेकर गाना रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और पूरा भी किया है, जिसका पूरा नजारा तो हम शाम को देखेंगे। पर इतना तो जरूर है कि देवी श्री प्रसाद की यही कोशिश है कि पार्ट 2 के गाने पार्ट 1 से बढ़िया साबित हों, क्योंकि जाहिर है कि अगर पुष्पा 2 के लिए उसका प्रीक्वल एक प्लस पॉइंट है तो दोनों फिल्मों की हर चीज में कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप भी खुला होता है। अब पार्ट 1 के जो गाने थे जिसमें उंटवामा, सामी सामी, श्रीवल्ली, ये सभी चार्ट बस्टर्स थे, मतलब आज भी इन गानों को जो टेस्ट है वो कम नहीं हुआ है और लोग सुनते हैं। ऐसे में देवी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और प्रेशर है क्योंकि बाहुबली KGF जैसी फिल्में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर चुकी हो पर गाने उन फिल्मों का जो मेन मोटिव नहीं था, पर पुष्पा तो अपने गानों के लिए ही जानी जाती है। पर देवी की कोशिश देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार के गाने भी अच्छे होंगे क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 के दौरान ही उन्होंने एक्स्ट्रा गाने कंपोज किए हुए थे। इसका मतलब उनके लिए जो भी होने वाले हैं गाने रिलीज होने वाले हैं और उनकी टाइमिंग जो होने वाली है वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट होने वाली है और गानों पर काम करने के लिए या फिर उन्हें इम्प्रोवाइज करने के लिए उनके जो हल्के से चेंज करना है इतना सही काम था उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि इस बारे में बात होगी और जो गाने इस बार रिलीज होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अतरंगी होने वाले हैं और हमें झुमा देने वाले हैं। वेल, आपको इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 88288500 88.